हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली गल्फ जॉब में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 गल्फ रिक्वायरमेंट एजेंसी इन मुंबई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली 30-40% जो जॉब रिक्वायरमेंट आता है वो फ्री रहता है। बाकी 50-60% जो जॉब रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए कुछ लिमिट अमाउंट ऑफ ऑफिस चार्ज रहता है, जिसको आप पे करके जा सकते हो, वो भी इंटरव्यू के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर एक पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है उसका नाम है एशिया पावर। जी हाँ दोस्तों, एशिया पावर हर साल लगभग 20-25 हज़ार लोगों को हायर करता है गल्फ़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा ऑफिस है। और इसका 30-40% जो रिक्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है। फ्रेशर कैंडिडेट को भी 10% ये हायर करता है। आप इसका ऑफिस एड्रेस देख सकते हैं, हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। बाकी ये दो तीन राज्यों में और भी है इंडिया के अंदर, लेकिन मुंबई में इसका सारा काम होता है। नंबर दो पे जो हमारे लिस्ट में ऑफिस है इसका नाम है अंबे इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, अंबे इंटरनेशनल एक बहुत ही ट्रस्टफुल ऑफिस है। 1000+ रजिस्ट्रेशन है इसका, और इसमें लगभग 90% जो रिक्वायरमेंट आता है वो मैकेनिकल रिक्वायरमेंट आता है, जिसमें आप ऑयल एंड गैस हो गया आपका, और मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट से रिलेटेड होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट आता है वो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड आता है, जो कि सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन को हायर करता है। इसका ऑफिस एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वर्ली नाका में इसका ऑफिस है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तीसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में ऑफिस है उसका नाम है HR इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, HR इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल लेवल का ऑफिस है, जिसका हेड ब्रांच दिल्ली में है। हेड ऑफिस जो इसका दिल्ली के अंदर है, और दूसरा जो ब्रांच है मुंबई के अंदर है। इंडिया में इसके 6-7 ब्रांच है, और बाकी विदेश में लगभग 7-8 ब्रांच है इसके। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आता है लगभग 50% जो रिक्वायरमेंट होता है सिविल से रहता है, और 20% रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल से होता है, और 30% मैकेनिकल से होता है। ये ट्रस्टफुल ऑफिस है, यहाँ से भी आप लोग काम करा सकते हैं। इसमें फ्री रिक्वायरमेंट थोड़ा कम आता है। नंबर चार पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सियागुल इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, सियागुल इंटरनेशनल मुंबई के अंदर है, और ये बहुत ही ट्रस्टफुल ऑफिस है। यहाँ पे 60-70% जो रिक्वायरमेंट आता है गल्फ के लिए वो बिल्कुल ही फ्री होता है दोस्तों। 60-70% जो रिक्वायरमेंट आता है उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन गल्फ से जो रिटर्नर होते हैं उन्हीं को ये ज़्यादातर प्रेफरेंस देता है दोस्तों। यहाँ से जाने के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया से एक बार रिटर्न होना चाहिए, उन्हीं लोगों को ये ज़्यादातर प्रेफरेंस देता है। तो दोस्तों ये ऑफिस मुंबई के अंदर है, आप एड्रेस देख सकते हैं सियागुल इंटरनेशनल का, अंधेरी ईस्ट मुंबई के अंदर है ये ऑफिस, और बहुत ही ट्रस्टफुल ऑफिस है दोस्तों। नंबर पाँच पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है दोस्तों इसका नाम है इंडमान कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, इंडमान कंसल्टेंट बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट एजेंसी है और बहुत ही पुराना है, कम से कम 25-30 साल पुराना रिक्वायरमेंट एजेंसी है। ये इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए हायर करता है दोस्तों। ये रसिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रसिया का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट चलते रहता है। यहाँ पे फ्रेशर को 10% हायरिंग होता है, और यहाँ पे जो ऑफिस चार्ज है ये बहुत ही कम लगता है, और ये बहुत ही ट्रस्टफुल ऑफिस है। इसको आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर छः पे जो ऑफिस है इसका रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट हायरिंग रहा है इस साल 2019 के अंदर। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हायरिंग करने वाला ऑफिस एसमैक्स है, जो कि मुंबई के अंदर है। यहाँ पे 80% मैकेनिकल रिक्वायरमेंट आता है, 10% इलेक्ट्रिकल, और 10% सिविल का रिक्वायरमेंट आता है। इसका ऑफिस थाने मीरा रोड में है, और आप लोग यहां पे जा सकते हैं और इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट एजेंसी है, और ये लगभग 30-40% जो हायरिंग करता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है। नंबर सात पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है जिसका नाम है दोस्तों सिंकलस। जी हाँ दोस्तों, सिंकलस एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रस्टफुल रिक्वायरमेंट एजेंसी है। यहाँ पे लगभग 80-90% जो हायरिंग होता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है दोस्तों। ये इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए हायरिंग करता है। इंडिया के अंदर बड़े बड़े कंपनियों के लिए ये हायरिंग करता है।
दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टफुल ऑफिस है, आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है दोस्तों, इसका नाम है साउंडलिन। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल का एक ऑफिस है जो कि मुंबई के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट को 80-90% जो हायरिंग होता है वो फ्रेशर कैंडिडेट का होता है, यानी कॉलेज से निकलो और डायरेक्ट जाओ ऑफिस में, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप बात करो और वॉक इन इंटरव्यू दो। दोस्तों यहाँ पे 50% जो रिक्वायरमेंट आता है वो होटल इंडस्ट्री से होता है, और बाकी 30% मैकेनिकल और बाकी 20% में इलेक्ट्रिकल और सिविल का होता है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट एजेंसी बहुत ही बड़ा है और इंटरनेशनल लेवल का है, आप अगर फ्रेशर हो तो इसमें ट्राई कर सकते हो। नंबर 9 पे जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है दोस्तों, इसका नाम है ITL। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पुराना रिक्वायरमेंट एजेंसी है और यहाँ पे 50% सिविल, 20% इलेक्ट्रिकल, 20% मैकेनिकल एंड 10% दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह का हायरिंग होता है। दोस्तों यहाँ पे 20% फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट आता है, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही पुराना ऑफिस है दोस्तों और बहुत ही ट्रस्टफुल है, 1000+ इसका रजिस्ट्रेशन है। नंबर 10 पे हमारे लिस्ट में जो ऑफिस है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ऑफिस है, इसका नाम है जेरी वर्गीज। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए हायरिंग करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आता है वो सऊदी अरब से आता है। दोस्तों यहाँ पे स्टाफ लेवल का जो हायरिंग है बहुत ही ज़्यादा रहता है, यहाँ पे लगभग 30-40% मेडिकल प्रोफेशनल को हायरिंग किया जाता है। दोस्तों इस अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।